शेफ़ उम्मे हबीबा है। मैं यूके सिरियन गिल्ड क्वालिफाइड शेफ़ हूँ इंटरनेशनल फोरम पे। मैं अपना खुद का एक फूड बिज़नेस है जो रन कर रही हूँ, जिसका नाम है फूड विश बाय हबीबा। आज जो हम बना रहे हैं, इट्स वेरी फेमस डिश, इट्स कॉल्ड कीमा कचौरी। ठीक है, जो नॉर्मली रमज़ान, वैसे तो सारा साल हम you know, उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन रमज़ानों में ये बहुत ही टेम्पटिंग होता है। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। ठीक है, डो के लिए मैंने मैदा लिया है, ये है 500 ग्राम यानी आधा किलो मैदा। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। तीन टेबलस्पून इसमें घी ऐड करना है। आटा गूंदने के बाद कम से कम आपने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। इसके साथ ही हमारे पास कचौरी की स्टफिंग के लिए कीमा है, 250 ग्राम्स यानी कि पाव कीमा है हमारे पास। 3 अदद दरमियानी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ जो मसाले हैं, ड्राई मसाले, हमारे घर के कॉमन मसालों से ये बन रहा है। गर्म मसाला पाउडर है हमारे पास 2 चम्मच, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच जीरा पाउडर है, 2 चम्मच हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर है, चुटकी भर हमने हल्दी ली है, और हमारे पास एक ग्रेटेड अदरक और लहसुन जो कीमे की भुनाई के लिए रिक्वायर्ड होगा। इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर ऐड करना है, ये मेरे पास है लहसुन और अदरक ग्रेट किया हुआ। साथ ही मैं इसमें जो भी सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए थे मैं ऐड करने जा रही हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये जो भी मसाले मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब घर के मसाले हैं। ठीक है, अच्छा, रेड चिली पाउडर मैं 1.5 टेबल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस चाहिए आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं, कोई इसमें लाइक रोक टोक नहीं है। और हल्दी को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें नमक यूज़ कर रही हूँ। ये जो डो मैंने रखा था ये हमने 10 से 15 मिनट का इसको रेस्ट दे दिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके पेड़े बनाने की तरफ। अब पेड़े बनाने के बाद हमारे पास है ये मैदा और ये है घी, ये दोनों चीज़ें कंबाइंड होंगी और इसकी बनेगी लई। और इंग्रेडिएंट वही है जो आप इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ नहीं किया। आप बिल्कुल वैसे ही इसको स्मूथ हाथों से बेलते जाएंगे, लेकिन ध्यान आप ये रखेंगे कि ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। डबल फोल्डिंग में ये आपका डो जो है वो आपके पास आ जाएगा। आपने ढक के रखना है, खुला नहीं रखना। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब सेंटर में जो कीमा अभी हमने बनाया था, ठीक है, आपने उसको सेंटर में भरना है। फिलिंग का ख्याल रखिएगा, बहुत ओवर नहीं भरिएगा। अच्छा, अब इसका तरीका ज़रा देख लें। यहाँ से आपने उसको उठाना है और यहाँ से उठाना है। ठीक है, जैसे हम हाफ डी बनाते हैं, आपने यहाँ से इन दोनों को उठाया, ठीक है, और आपने इसको जॉइन करना है। आपने इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऑयल में छोड़ना है, बहुत ज़्यादा आपने हिलाना नहीं है। स्पेसिफिकली कचौरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हाफ फ्राई नहीं करके रख सकते। अगर हम किसी क्लाइंट को ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो हम असेंबल करके उसको पूरा बॉक्स में बंद करके देते हैं, और जब भी उसने खाना है उसने उसको निकालना है और उसको सिर्फ डीप फ्राई करना है।